फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक टॉपिक शुरू किया था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। बाद में हमने समझा था एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और उसके बाद में और दो बताया था आपको, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इसे ही कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल और थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन दो प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश कैसे की गई है। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं है उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मास, मानो एक ग्लास में हमने वाटर लिया, वही वाटर एक जार में लिया, बड़े जार में, इसमें इस वाटर का मास कम है और इसमें इस वाटर का मास ज्यादा है। मतलब अमाउंट कम तो मास कम, अमाउंट ज्यादा तो मास ज्यादा। इस वजह से मास हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। कम अमाउंट कम वॉल्यूम, ज्यादा अमाउंट ज्यादा वॉल्यूम। मतलब समझिए, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल होगा मास और वॉल्यूम। सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल टेम्परेचर। अब दोनों भी वाटर सेम है लेकिन इनका मास अलग है, इनका वॉल्यूम अगर अलग है, लेकिन अगर हमने इनका टेम्परेचर गिना तो दोनों का भी टेम्परेचर कैसे आएगा, सेम। वही वाटर का मास डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट, लेकिन टेम्परेचर सेम। मतलब टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं है। मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वाटर कितना भी लो उसकी डेंसिटी सेम रहती है, हर लिक्विड की अपनी डेंसिटी होती है, इसलिए डेंसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक बात हरदम ध्यान रखना, कोई भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हरदम इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम is called as intensive property। इसका example देखा हमने mass, volume, इसका example देखा हमने temperature, density। अगली term है heat capacity। heat capacity, heat capacity। अब heat capacity क्या होती है, कोई भी system का temperature
एक डिग्री से बढ़ाना है, मतलब 41 है तो 41 करना है, अगर 30 है या 31 है तो 32 करना है। कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर सिर्फ एक डिग्री से बढ़ाना है, एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है वह है हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। मतलब कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर एक ही डिग्री से बढ़ाना है तो उसे कहते हैं, उसलिए जितनी हीट दी जाती है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं आपको समझाता हूं, ये वाटर है और इसमें कम वाटर है, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका भी है 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों भी वाटर का टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाना है, मतलब इसका 27 से करना है 28, इसका भी 27 से करना है 28। टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाना है, लेकिन एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सेम हीट लगेगी क्या? नहीं, कम वाटर है उसको एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट लगेगी, और ज्यादा वाटर है उसके उसकी हीट एक टेम्परेचर उसकी टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लगेगी। इसका मतलब हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। मतलब हीट कैपेसिटी क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर पानी ज्यादा रहा तो उसका टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लगेगी, पानी कम रहा तो उसका टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ाने के लिए कम हीट लगेगी। मतलब जितनी भी हीट लगने वाली है एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो? हीट कैपेसिटी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। लेकिन और एक इसके साथ में टर्म आती है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है? मोलर हीट कैपेसिटी में सिस्टम की हीट 1 डिग्री से बढ़ाना है और हीट कैपेसिटी में सिस्टम की हीट 1 डिग्री से बढ़ाना है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में सिस्टम हरदम 1 मोल की होती है। 1 मोल द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सिस्टम टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी में सिस्टम का अमाउंट फिक्स हो जाता है, जब भी मोलर हीट बताई जाती है उस वक्त सिस्टम हरदम कितनी होती है? 1 मोल। और सिस्टम 1 मोल होने की वजह से मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे उसमें अमाउंट ऑफ सिस्टम फिक्स हो जाएगा कितना? 1 मोल। इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसका अगला एग्जांपल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी सिस्टम अमाउंट फिक्स है, दैट इज द सिस्टम इज 1 ग्राम। The amount of heat absorbed by 1 gram of system to rise its temperature by 1 degree is called as specific heat capacity. इसमें amount of system fix है 1 gram. जब भी हम specific heat capacity बोलोगे तो system हरदम कितनी रहेगी? 1 gram. इस वजह से specific heat capacity और molar heat capacity ये intensive property है, और heat capacity क्या है? Extensive property. हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। मोलर हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। उसलिए अपने को हीट एब्सॉर्ब करना है। लेकिन हीट कैपेसिटी में सिस्टम मेंशन नहीं है, अमाउंट ऑफ सिस्टम मेंशन नहीं है, सिस्टम 1 मोल हो सकती है, 10 मोल हो सकती है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में सिस्टम हरदम 1 मोल ही रहती और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिस्टम हरदम 1 ग्राम रहती। इस वजह से इसका अमाउंट ऑफ सिस्टम फिक्स है, इसलिए क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका अगला एग्जांपल है पीएच। बताइए आप पीएच, हर सब्सटेंस का अपना फिक्स पीएच होता है। वाटर, वाटर का पीएच कितना है? 7। वाटर कितना भी लो उसका पीएच 7 ही रहेगा। मतलब पीएच क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी?
अमाउंट ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अमाउंट कम तो कॉन्सेंट्रेशन कम। बहुत लोग ये समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं समझाता हूं आपको। मान लो हमने इसमें HCl लिया, HCl 2 मोलर, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर। HCl है इसमें 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 2 मोलर। अब इसमें से हमने थोड़ा सा HCl निकाल लिया, ये HCl का अमाउंट कम हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका भी 2 मोलर ही। मतलब इसमें जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, उसमें से थोड़ा सा HCl निकाला उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है 2 मोलर। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ क्या? डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हेंस इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगले और एग्जांपल आने वाले हैं। मानो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगले टॉपिक में डिटेल है। इंटरनल एनर्जी, सर्टन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी अमाउंट ऑफ सिस्टम पे ही डिपेंड रहती है, जितना ज्यादा अमाउंट उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी। इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टॉपिक जैसा आगे जाएगा तो नई टर्म आएगी एंथाल्पी, ये डिटेल टॉपिक है, अगले वीडियो में आएगा वो। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब भी हम पढ़ेंगे तो हमको ये एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा। और एक टर्म है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम में हमें लर्न करना पड़ेगा। मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये चैप्टर आगे जैसा जाएगा वैसा डिटेल हमें आएगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर, डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस टेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? ओके, थैंक यू।